जिस दिन आप अपना इनर पोटेंशियल खुद ढूंढ लेंगे, आई थिंक दैट वुड बी द डिस्कवरी ऑफ योर लाइफ। नमस्कार, आई एम डॉक्टर शिराली अरविंद रूनवाल, अ गायनेकोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन बट अ मोर क्रिएटिव पर्सन एज अ ह्यूमन। सो माय डैड इज अ पीडियाट्रिशियन एंड माय मॉम इज अ गायनेकोलॉजिस्ट एंड आई थिंक आई फॉलोड द फुटस्टेप्स ऑफ माय मदर बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट एज आई एम। सो 2.5 साल की छोटी सी बच्ची अक्टूबर के मंथ में अपने मम्मी पापा के साथ जा रही है जू के अंदर। एंड वी नो दैट अक्टूबर इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक, राइट? फ्रॉम 1st of October टू 7th of October। नाउ देयर इज अ ड्राइंग कॉम्पिटिशन गोइंग ऑन इन देयर। मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए एंड मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया। सो आई टुक अ ड्रॉइंग शीट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजर्स एंड आई टुक सम क्रेयंस फ्रॉम ऑल द किड्स अराउंड देयर और आई स्टार्टेड पेंटिंग समथिंग। नाउ बाकी बच्चों को लगा कि 2.5 साल की छोटी सी बच्ची क्या ये कर लेगी, बिकॉज द एज ग्रुप स्टार्टेड फ्रॉम 5। सो आई पेंटेड समथिंग एंड आई सबमिटेड माई शीट। बाकी सब ने देखा व्हेन देयर वाज द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी गोइंग ऑन। सो द नेम वाज कॉल्ड दैट द स्पेशल प्राइज गोज टू मिस शिराली। एंड व्हाई? क्योंकि मेरी एज के बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं, दे वुड हैव ड्रॉन अ कैट, अ डॉग, एनीथिंग लाइक दैट। बट व्हाट आई ड्रू was an aquarium with a dark deep blue background with all fish, because mere ghar mein ek aquarium tha and I used to get really attracted by it, so that was the mind memory which was imprinted in my head. To maine wahi draw kiya. Maybe ki jo bacche 5 saal ke the wo mujhse zyada knowledgeable ho sakte hain, but I think my imagination got a score there. And imagination, as you all know, is boundless and it embraces the entire world. To bhale hi aapke paas knowledge thodi kam ho, but imagination agar zyada hogi to I think that creativity kinds of take you somewhere. Phir main dheere dheere badi hoti gayi, drawing mein mera interest tha hi, and now I'm 5-year-old. I'm with my family at Vigyan Bhavan, New Delhi. Now you all must be wondering, ek 5 saal ka bachcha Vigyan Bhavan, New Delhi mein kya kar raha hai? 2.5 साल से 5 साल तक आई थिंक मेरी सिटी में मैंने कोई भी ड्राइंग कॉम्पिटिशन मिस नहीं किया होगा एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई हैव बीन स्कोरिंग रियली गुड। सो आई हैड ऑल द प्राइजेस, मेरा एक छोटा सा प्राइज कैबिनेट तैयार हो चुका था बाय देन। सो आई अप्लाई फॉर द नेशनल चाइल्ड एक्सलेंस अवार्ड एंड लकली आई गॉट सिलेक्टेड। देयर वर ओनली 2 चिल्ड्रन फ्रॉम द एंटायर स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश हु वर सिलेक्टेड। सो वन वॉज मी एंड द अदर गर्ल वॉज पलक मुछाल, you know, the very famous singer who is right now in Mumbai, but she belongs to Indore. And we were roomies, kyunki jo ek state ke bachche hote to ek dusre ke saath hi rehte, so that was the norm there. So choti choti aankhon mein bade bade sapne wahin se aaye. APJ Abdul Kalam sir ki ek baat yaad aati hai ki sapne wo nahi hote jo aap sote hue dekhte hain, sapne wo hote hain jo aapko sone nahi dete. And I think वहां से मैंने ये सीखा कि there are a lot of people doing a lot of good work out there and I need to match up to them. So मैं वापस आती हूँ to my city Gwalior and I keep on doing things, इधर उधर कुछ कर रही हूँ, academics में I'm doing good. फिर मैं हो जाती हूँ 8 साल की। Now I again go back to Delhi. मेरी life में Delhi का बहुत खास importance रहा है, because all the cultural activities, all the creative stuff used to be at there, because at that time Gwalior was not a well developed city, तो वहाँ पे ज़्यादा competitions नहीं होते थे and there was a 3-tier system. You always had to go to Delhi if you had to achieve something. So मैं Delhi आती हूँ and now I am at National Bal Bhavan Delhi. Clay modeling contest हो रहा है, क्ले मॉडलिंग कॉन्टेस्ट हो रहा है एंड आई एम गिविंग अ ट्राई एट इट। आई एम नॉट वेरी गुड एट इट बट मैंने कहा चलो करते हैं, क्योंकि आपको हमेशा एक्सप्लोर करना चाहिए, यू नीड टू एक्सप्लोर द अननोन, क्योंकि अपने कम्फर्ट जोन में रह के तो सब लोग काम करते हैं। आई थिंक यू वॉन्ट बिलीव वॉट ऑल आई हैव ट्राइड। सो आई हैव ट्राइड सिंगिंग, आई हैव ट्राइड डांसिंग, आई हैव ट्राइड स्केटबोर्डिंग, इवन आई हैव गॉन इन टू ड्रामा। मैंने एक छोटा सा प्ले किया था अंधेर नगरी चौपट राजा एट माय ओन सिटी और मुझे उसमें कसाई का रोल दिया गया था, बट स्टिल आई डिड इट बिकॉज मुझे कुछ नया करना था। तो मैं 8 साल की हूँ, नेशनल बाल भवन न्यू दिल्ली में हूँ और मैं क्ले मॉडलिंग कॉन्टेस्ट में। नाउ द क्ले मॉडलिंग कॉन्टेस्ट वॉज अ 1 मिनट कॉन्टेस्ट एंड द टॉपिक वॉज वेरी टफ, द टॉपिक वॉज फैमिली। मैंने सोचा 10 सेकेंड तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूँगी, वेदर आई शुड मेक अ पापा फिगर, अ मम्मी फिगर, 2 बच्चाज, नहीं आई जस्ट ट्रैश दैट आइडिया। फिर मैंने सोचा नहीं ऐसा करते हैं कि एक पापा एक मम्मी और एक बेटी बनाते हैं, तो इसमें थोड़ा सा मैसेज चला जाएगा दैट यू नो यू शुड ब्रिंग गर्ल्स फॉरवर्ड, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
देन अगेन नहीं हो पाएगा बिकॉज इट टेक्स टाइम टू डू दैट. फिर मैंने सोचा बिकॉज माई पेरेंट्स आर डॉक्टर्स, तो थोड़ा फैमिली प्लानिंग दिखाते हैं कि चलो मदर फादर एक बच्चा एंड आई विल मेक एन इन्वर्टेड ट्रायंगल व्हिच इज यू नो द लोगो ऑफ फैमिली प्लानिंग. अगेन नॉट वर्किंग इन वन मिनट. ओके फिर 15 सेकेंड्स के बाद आई गॉट एन आइडिया, आई डिड समथिंग एंड आई रैप्ड इट अप. मैं सबसे पहली थी वहाँ पे हु जस्ट डिड लाइक दिस दैट ओके आई एम डन और मुझे सबमिट करना है. एंड एवरीबडी वॉज लाइक वॉट दिस गर्ल हैज डन इन 45 सेकेंड्स, नोबडी नोज. डन टू द एंड ऑफ द डे, रिजल्ट्स टाइम. नाउ रिजल्ट्स टाइम में अनाउंस होता है दैट देयर इज अ गर्ल फ्रॉम ग्वालियर हु हैज डन समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स एंड दैट इज व्हाई शी इज गोना बी द विनर. I said, okay, fine. I was knowing this because I had done something good, but others were not knowing. So, I made a snake family. A papa snake, a mama snake, two bacha snakes. What I had to do, I had to just roll it down, thoda sa flatten kiya tail ko, and I'm good to go. So, this was something which took everybody to surprise. And mind you, winners don't do different things. They really don't do different things. They do the same things, but a bit differently. So, मैंने थोड़ा सा बाहर जाके सोचा कि हमेशा हम human family की बात करते हैं, जो wild life है उसमें भी तो आपको families मिल सकती हैं. That was the easiest thing which I could do, and that is how I got a national first in that. उसके बाद मैं हुई 12 साल की. My parents used to take me from school to their clinic. क्योंकि यू नो वर्किंग पेरेंट्स होते हैं घर पे, आई एम द ओनली चाइल्ड दे हैव. और वहाँ पे मैं क्या करती थी, बिकॉज माई डैड इज़ अ पीडियाट्रिशियन, तो बहुत सारे बच्चे आए होते थे, उनके साथ खेलती थी. देर इज माई डैड्स क्लिनिक्स वॉल जिसपे एक बड़ा सा फ्रेम लगा हुआ था एंड देर वॉज अ पोएम ऑन इट एंड द टाइटल ऑफ द पोएम वॉज वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो. तो एक दिन मैं वापस आके पढ़ रही हूँ वो एंड मेरे डैड मुझसे पूछते हैं कि तुम इतने ध्यान से क्या पढ़ रहे हो. तो तब तक उन्हें पता नहीं था कि मुझे अब थोड़ा सा पेंटिंग से इंटरेस्ट जो है मेरा थोड़ा शिफ्ट हो चुका था. माय फोकस हैड शिफ्टेड फ्रॉम पेंटिंग टू पोएट्री. तो मैं कुछ कुछ क्रिएट किया करती थी और मुझे था कि मुझे कुछ इंस्पायरिंग सा लिखना है, तो मैं उसे पढ़ रही थी. नाउ माय डैड आस्क्ड मी कि अगर तुम इतने ध्यान से पढ़ रही हो तो कुछ तुम्हारा इसके पीछे मोटो होगा या एम होगा. तो मैंने कहा नहीं, आई थिंक दिस इज अ वेरी सिंपल राइम, तो ये मैं भी कर सकती हूँ. ऐसा कैसे हो सकता है? How can you just write something which is written by such a big poet in himself? Now, cut to when I am 14 years old. Now, my dad receives a parcel. Now, that parcel is from the NCERT board. And there is a book in there. There is a book which opens up. On the first chapter, you have the same poem, the very same poem which was hanging at my dad's clinic. वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो. चैप्टर 16 देयर इज अनदर पोएम व्हिच इज टाइटल्ड कूप मंडूक शिराली रुनवाल ऑन पेज नंबर 16 एंड ऑन चैप्टर 31 देयर वाज अनदर पोएम बाय द एडिटर ऑफ द सेम बुक. मैंने जो सपना देखा था आई समहाउ टर्न्ड इट इनटू रियलिटी एंड व्हाट मेड मी टर्न इनटू रियलिटी वाज कमिटमेंट, conviction and the consistency of effort. I think these three C's have been really close to my heart. And मैं हमेशा अपने दिल को कहती थी, mom dad हंस रहे अभी इस वक्त, but let me tell you, इस हंसी से वो खुशी के आंसू जब उनकी आंखों में मैंने देखे when he got that book, I think that emotion was priceless. And I could have done anything to repeat that. So it was a really, really nice feeling and I can't just get over it. So 9th class mein aati hu and everybody started telling me that you know these are the foundation years, you have to be career oriented. Kya rakha hai drawing mein, poetry mein, ultimately to sab yahi dekhte hain ki aap apne career mein kya karte hain. You know you're gonna hold this legacy ahead, this that. Oh my god, so many people telling me so many things and I was clueless what to do. To maine padhna shuru kiya for what. 9th क्लास में हम लोग सब रेगुलर सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, बट आई वॉज क्वाइट क्लियर कि मुझे क्या लेना है. आई हैड टू टेक अप बायोलॉजी इन 11th. नॉट बिकॉज माई पेरेंट्स आर डॉक्टर्स, अगेन आई वुड लाइक टू करेक्ट यू देयर, बिकॉज आई हैड एन इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. क्योंकि मैंने सुन रखा था अर्ली बर्ड कैच इज द वर्म और मुझे लगा इफ आई स्टार्ट अर्ली आई थिंक आई विल हैव अ कटिंग एज अहेड ऑफ
all my competitors. So my dad will get a little credit at this point in time because I was not at all an early riser. So मुझे उठा दिया करते थे कि उठो 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 तुम्हें पढ़ना है. आधी नींद में we got up to a terrace and we used to read physics because I know सारे biology वाले students physics में बहुत weak होते हैं. तो मुझे लगा कि हमेशा ऐसे subject से start करना चाहिए जो आपको सबसे ज़्यादा difficult लगता है. Because if you keep on pushing that कि नहीं postpone करते हैं, procrastinate करते हैं, इसको सबसे last में करेंगे, I don't think that's gonna pay off. आप अपनी weaknesses को खुद पहचानिए and start working upon them. Then only you can turn your weaknesses into your strengths. Now I'm in my 10th. कुछ ना कुछ leg pulling लोग होते हैं आपके आसपास. So they used to tell me कि नहीं, please focus on your studies and don't do this and that. I said okay fine. सुनिए सबकी, करिए मन की. तो जो मैंने किया, I kept on doing all my extracurriculars and I also did my studies. But yeah, I was the state topper in my 10th. And मुझे ऐसा लगा कि wow, this is something because I was the center of attraction for a lot many students and now suddenly I had become an inspiration. Because मुझे भी नहीं पता था कि मैंने ऐसा क्या किया which brought me into that position other than hard work which I always did. तो पहले अपने life के goals set करो. तो मेरे life का goal था अब 10th के बाद that I have to top my 12th class. I have to get into PMT. मेरे उस life के ये short term goals थे बस. तो side by side क्या हो रहा था? Because I was getting a little fame at this point in time. तो I was offered a modeling contract by a very famous newspaper group in the entire country. तो मुझे लगा it's not all just beauty which takes you up there. कभी कभार हमारे पास wild card entry के भी routes होते हैं. And मेरे पास ये था कि मेरी academic journey was going on good. So they offered me that. तो मैंने वो भी किया. आई मीन अब मेरे पास इतनी सारी चीज़ें जो मैंने की हैं तो मुझे पता ही मुझे एग्जैक्टली क्या करना है और क्या नहीं करना है. तो उसके लिए भी कभी कभार आपको चीज़ों को ट्राई करना पड़ता है. नाउ आई एम इन 12th. बहुत ज़्यादा प्रेशर है क्योंकि 12th भी क्रैक करना है, उसके बाद आपको अपना कॉम्पिटिटिव भी क्रैक करना है, आपके सारे पीयर्स ट्यूशंस जा रहे हैं, आप घर पर बैठ के पढ़ रहे हो विच वॉज रियली न्यू एट दैट टाइम 2012 में. क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स जा रहे होते थे कि अभी फिजिक्स का कोचिंग है, फिर केमिस्ट्री का कोचिंग है, फिर बायोलॉजी का कोचिंग है, फिर उसके बाद क्लासेस हैं, फिर ग्रैंड टेस्ट है, मॉक टेस्ट है. एंड आई वॉज समवेयर इन द हार्ट मुझे ऐसा लग रहा था कि प्रॉबेबली आई माइट नॉट डू इट. क्योंकि मैं कहाँ रिलाई कर रही हूँ, मैं सेल्फ स्टडी पे रिलाई कर रही हूँ. हमेशा स्टीरियोटाइप्स ब्रेक करने चाहिए. तो मैंने कहा चलो करते हैं. देन 12th का एग्जाम दिया अगेन. जैसा कि लोग कहते हैं कि 10th 12th PMT सब में फर्स्ट पोजिशन रिजर्व थी और बाकी नौ नाम बदल जाते थे. लेट मी टेल यू इट वॉज नॉट रिजर्व, इट वॉज प्योर प्योर हार्ड वर्क. आई थिंक अगर आप कोई भी चीज़ सच्ची लगन के साथ करते हैं तो इट पेज यू ऑफ, इट रियली पेज यू ऑफ. तो सब लोगों को लगा कि इतनी अच्छी रैंक है सो शील बी चूजिंग सो कॉल्ड बेटर कॉलेजेस जहाँ बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है. बट व्हाट आई चूज वॉज माई पेरेंट कॉलेज, दैट इज GR मेडिकल कॉलेज ग्वालियर. एंड एवरीबडी वॉज रियली सरप्राइज एट दिस चॉइस ऑफ माइन टू द एक्सटेंट कि आई थिंक जो कमेटी थी जिन्होंने ये सब फिल करवाया था, आई थिंक द NMC नेशनल मेडिकल काउंसिल, दे अगेन पुट अ लिस्ट अप कि किसी से अगर गलत चॉइस फिलिंग हो गई हो तो प्लीज़ आप वापस उसको करेक्ट कर सकते हैं. एंड आई गॉट फीडबैक्स कि ये इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें लगा कि ऑल इंडिया रैंक 2 ने ग्वालियर मेडिकल कॉलेज चुना है, शायद गलती से फिल हो गया होगा. बट नहीं, दैट वॉज माई चॉइस बिकॉज आई एम द 4G वर्जन ऑफ डॉक्टर्स इन माई फैमिली. बिकॉज मेरे मतलब दादा परदादा, आई थिंक एवरीबडी वॉज इन दिस प्रोफेशन. तो एंड my grandfather was also the head of anatomy department in this very college. And in 2007 when he passed away, when he was on his deathbed, he just held my hand and asked me, main to 7th class mein hi thi, but he said that Riya, if you are going to choose this subject, the subject where you have to put in all your head, heart and hand towards the service of humanity, I really wish ki tum mera college choose karo. And those were his last words to me. 7th class se it just got stuck up in my head. Aur jab maine choice filling ke bare mein socha, I had no other option. Raat ke 3 baje pura mera family baitha hua hai. They were giving me options ki theek hai, you can fill this medical college but also give other options. I said no, I'm gonna do this Gwalior Medical College. 3 AM, right it is, done, logged, and then I'm in there for 5 years. Now MBBS is a very rigorous course, I must tell you, because I'm gonna admit it, this profession takes all your blood, sweat and tears.
क्योंकि आप ह्यूमन बॉडीज के साथ डील कर रहे हैं, देयर इज नो रीटेक. अगर एक बार कुछ हो गया सो हो गया, एंड देन देयर इज अ होल लॉट ऑफ इमोशनल अपहीवल विच इज गोइंग ऑन बोथ इनसाइड यू व्हेन यू आर ट्रीटिंग द पेशेंट एंड इन द फैमिली ऑफ द पर्सन हु इज इल, जो कि आपको इतनी आशाओं और उम्मीदों के साथ देखती है दैट यू रियली डोंट वॉन्ट टू यू नो मेस विद दैट. तो MBBS में आके शुरुआत के वर्ड्स थे मेरे मदर और फादर के कि माय डैड टोल्ड मी मेरे पास 3 गोल्ड मेडल्स हैं, माय मॉम टोल्ड मी मेरे पास 2 गोल्ड मेडल्स हैं. आई सेड ओके फाइन. सो 5 साल बहुत मेहनत की, कुछ ना कुछ चाहिए होता है आपको अपनी लाइफ में ऐसा कि जो आपको चैलेंज करे सो दैट यू डू समथिंग ग्रेट इनफ टू फुलफिल दैट चैलेंज. और मैंने पढ़ा 19 सब्जेक्ट्स डे एंड नाइट, दो आई एम नॉट अ बुक वर्म, मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी साथ में चालू रखे. एंड दिस इज माई ग्रेजुएशन सेरेमनी हैपनिंग एट द कॉलेज ऑडिटोरियम एंड द गवर्नर ऑफ माई स्टेट इज देयर टू अवॉर्ड मी. एंड वॉट ही डज इज अवॉर्ड मी विद 37 गोल्ड मेडल्स. आई थिंक दैट्स a path-breaking thing which has happened ever in the medical history in India. And what I tell back to my mom and dad is, see, I told you 32, 3 at tens, 2 at units place, and I added 5 to them. That makes it a total of 37. And here I am in my graduation ceremony with my neck all hanging down with the weight of those gold medals. But again, my neck was hanging down in humility, but my head was held high in pride. Because I knew that I have done something good enough in order to make my family, my city, my state and my nation proud. So I think that was a real tear-filling moment in my life. MBBS वालों का हसल कभी खत्म ही नहीं होता है. देन अगेन देर इज वन अनदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन माई लाइफ. वॉट इज इट? इट इज नीट PG. सो इट इज द नेशनल एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन. नाउ आई एम फाइटिंग ऑल डॉक्टर्स फ्रॉम एम्स, फ्रॉम PGI चंडीगढ़, फ्रॉम CMC वेलोर एंड ऑल दीज इंस्टीट्यूट्स विच हैव अ ग्रेट ग्रेट लेगेसी बिहाइंड देम. एंड मैं गई ऑन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर एंड आई डिड माई पेपर एंड माई जूनियर्स वर लाइक मैम आपने कैसे किया. एंड आई वॉज लाइक जब मैं एग्जाम दे रही होती हूँ ना तो आई एम जोन्ड आउट. मुझसे बाद में कुछ मत पूछा करो कि वॉट हैपन्ड इन देयर. मैंने जो किया आई डिड माई बेस्ट ओवर देयर एंड जस्ट फॉरगेट इट. सो वी लिटरली फॉरगॉट इट टिल 2 मंथ्स आफ्टर देयर वर द रिजल्ट्स ऑफ नीट PG एग्जामिनेशन. तो स्कोर्स निकल चुके थे. आई हैड अ परसेंटाइल, अ गुड इनफ परसेंटाइल. धीरे से आती एक न्यूज़ कि ऑल इंडिया रैंक 1 हैज दीज मेनी मार्क्स एंड दे वर लाइक 975 और समथिंग. तो मैंने कहा ठीक है चलो, ऑल इंडिया रैंक 1 तो मेरी नहीं है, पर मैंने कहा कि कहीं ना कहीं आई विल बी देयर इन द टॉप 25. आई नो कि मैंने इतनी मेहनत की है सो आई विल बी देयर इन टॉप 25. नाउ देयर इज वन न्यूज़ अगेन. पता नहीं सारे रिजल्ट्स ऐसे रात में क्यों आते. 2 AM midnight the NBE site, the National Board of Education, it shows up the results for NEET PG. And then there is my rank, an All India rank of 2. The percentile was 99.99. And my dad was like, my dad is my biggest critique. So he's like, ye 2 nahi hoga, 20 hoga, 200 hoga. Just check it again. So then again, फिर उनको believe हुआ कि अच्छा ठीक है, she is AIR 2. मैं थोड़ा सा disheartened थी कि I had done a lot, why not an All India rank 1? Why to settle with an AIR 2? So that is where he gave me a philosophy that अगर आप अपनी life में second आते हैं, there is always a scope to move ahead, there is a scope of improvement. आप कुछ करोगे so that आप first आओ. पर अगर आप you achieve that top notch, उसके बाद आई थिंक देर इज नो स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट एंड यू आर स्टैंडिंग अटॉप अ क्लिफ विद अ नैरो पॉइंट जहां सबसे ज्यादा चांसेस है टू फॉल ऑफ. सो दैट चेंज माई एंटायर परस्पेक्टिव एंड आई वॉज इंजॉइंग एन AIR 2 मोर देन दैट आई वुड हैव एंजॉयड एन AIR 1. बाकी सारे पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों के लिए शायद ये प्रेयर करते होंगे कि फर्स्ट आ जाए. मेरे डैड हमेशा मेरे हॉल्स के बाहर, एग्जाम हॉल्स के बाहर बैठ के प्रेयर करते होते थे कि सेकंड आ जाए. आई थिंक वो फिलोसफी कहीं ना कहीं आई थिंक इट इज पेड ऑफ वेल इन माई लाइफ. सो नीट PG हुआ एंड आई चोज ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू समथिंग चैलेंजिंग इन लाइफ. आई डिड नॉट वॉन्ट टू बी एनक्लोज्ड इन रूम डूइंग समथिंग, टाइपिंग रिपोर्ट्स और समथिंग लाइक दैट. आई नीड टू बी देयर आउट इन द फील्ड. सो मुझे वो क्लिनिकल एक्सपीरियंस चाहिए था जहाँ देर इज यू नो
एक नई बर्थ आपकी आंखों के सामने हो रही है एंड यू आर गेटिंग अ चांस टू एड दैट प्रोसेस और आप यू आर ब्रिंगिंग जॉय नॉट ओनली टू जस्ट द पेरेंट्स बट टू एन एंटायर फैमिली. मैंने लिया ऑब्जन गाइनी. आई डिड माई पोस्ट ग्रेजुएशन अगेन फ्रॉम द वेरी सेम सिटी. सो आई हैव बीन अ ग्वालियर गर्ल ऑल माई लाइफ, राइट फ्रॉम माई स्कूलिंग टू माई अंडर ग्रेजुएशन टू माई पोस्ट ग्रेजुएशन टू द फैक्ट दैट आई एम देयर नाउ serving as senior registrar at Kamala Raja Maternity Wing of GR Medical College. What I have seen in my life is that Gwalior se agar koi ladki aisa kar sakti, if she can give a tough fight to all the PGs from AIIMS, MAMC, Lady Harding out there, why not you can? The city, the background does not matter. What matters is your dedication, your devotion. What is your determination and how disciplined you are in your entire life. And I think मैंने वही किया है. कहीं ना कहीं I have broken stereotypes, I have taken challenges, I have worked hard to achieve them. And so right now I'm here. Keep hustling, keep doing all the good work. That's my time, guys. Thank you all.